कृष्णा, वेलकम टू द व्लॉग। ये कल के व्लॉग का कंटिन्यूएशन है, तो अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिएगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अब मैं अपना काम करना शुरू करने वाली हूँ, जो भी मेरा बचा हुआ था। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का टाइम बेस्ट लगता है, धूप नहीं होती, तो मैं लाइट ऑन करती हूँ अभी फ़िलहाल। तो गाइज, मैंने सर दर्द की दवा भी नहीं खाई है, वो तो मैं अभी खाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा रूम साफ कर दूँ सोच रही हूँ, बट पहले मैं दवा खाती हूँ और नोट डाउन करती हूँ कि मुझे करना क्या। तो गाइज, अपडेट ये है कि मम्मी से बात हो चुकी है और मैं दवा नहीं खा रही हूँ क्योंकि दर्द है, पर ठीक है, मैनेज हो जाएगा। और अभी मैं लिख रही हूँ कि मुझे करना क्या है, उसके बाद काम करते हैं। और प्रायोरिटी के हिसाब से मैं पहले अपना ऑफिस का काम करूँगी, उसके बाद बाकी के करूँगी, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो चलिए, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। हाय गाइस, तो अभी की अपडेट ये है कि मैं जो काम करने बैठी थी उससे मैं बिल्कुल डाइवर्ट हो गई, मैं दूसरा काम करने लग गई। बट मेरा सर दर्द बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब बहुत काफ़ी दर्द है। बट मैं डिनर मंगा लिया है, तो अभी इसको खोलते हैं, खाते हैं, आपको दिखाती हूँ, फिर देखते हैं, हो सकता है खा ही लूँ दवाई, बट चलिए देखते हैं। तो गाइस, मैंने मंगाया है अप्पे और 30 इडली, एक पैक की इडली होती है। ये मंगाया मैंने गाइस, अभी मैं जाके अपने हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। गाइस, ये है मेरा आज का डिनर, टेटली और ये है अप्पे, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं बट ये अप्पे हैं। मैं इसको टेस्ट करती हूँ कैसा है। पहले इडली खाएंगे। अच्छी है गाइस, काफ़ी अच्छी है। और अप्पे ठीक है, चटनी भी नहीं लग रही ठीक से। काफ़ी अच्छे हैं गाइस, काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, खाना हो चुका है। ये पीनट की चटनी है जो ऑरेंज वाली है, तो मैंने ये चटनी ही सिर्फ खाई है, काफ़ी मुझे पीनट पसंद है इसलिए। मेरा सर दर्द अभी हो रहा है हल्का हल्का, तो देखते हैं अभी क्या करूँगी, जो भी करती हूँ आपको बताऊँगी थोड़ी देर में, मिलते हैं। तो गाइस, मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं दवा खाऊंगी
मम्मी ने मना किया है पेन किलर लेने से ज़्यादा, बट क्योंकि मुझे आराम नहीं मिल रहा है तो मुझे खाना पड़ेगा। मैं दवा खाती हूँ गाइस, दवा ले ली, अब मैं खाती हूँ इसको। तो गाइस रात के 12:59 AM हो रहा है और अपडेट ये है कि मैं सोई नहीं हूँ, मुझसे काम भी नहीं हुआ है। मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, मैंने पोस्ट डाला था कि मतलब नहीं हो पाया, बट मैंने कुछ करके सिंक करके क्लिप्स निकाल ली थी, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी। अब वो कल सुबह आ जाएगा, मतलब इस ब्लॉग के पहले ऑफकोर्स, फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब मुझे टेंशन हो रही है ना कि कल मेरा इतना इंपॉर्टेंट डिनर, मैं सो नहीं पा रही हूँ, और मुझे ये काम करके अच्छा लग रहा है बट फिर मुझे और भी काम की टेंशन है। ह्यूमन माइंड गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो गाइस अब मैं, ये नेक्स्ट डे है और मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो अब हम ऑफिस जाते हैं और आपसे शाम को मिलती हूँ। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 और अब मैं ऑफिस से घर आई हूँ। बहुत अच्छा दिन गया, मैं सुबह 9 बजे निकल गई थी, अभी आई हूँ, बहुत सारा काम किया आज पर बहुत अच्छा दिन गया। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ क्या हुआ, अगर बता पाऊँगी तो। अभी मैं फ्रेशन अप होती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत भूख लगी है गाइस, तो अभी मैंने खाना मंगाया है और मैं अब नीचे से लेने जाऊँगी फिर खाऊँगी। ब्लेस मी, और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने लंच किया था, उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिर्फ लंच किया था, सुबह से सिर्फ एक टाइम की मील खाई है मैंने इतने सारे काम के साथ, तो अभी मैं खाती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइज ये मेरा आज का डिनर है, ये वेजिटेबल राइस बोल विथ चीज़ सॉस है और ये गार्लिक ब्रेड है जो मैंने उस दिन खाई थी, तो हाँ मैं इसको खाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो कैसे आप लोग गाइज, कुछ कमेंट कर दिया करिए नीचे, अच्छा सा कुछ टू वे कॉन्वर्जेशन हो, मैं तो अपनी वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी कुछ बताया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत सोशल पर्सन हूँ, बस मतलब कुछ कुछ लोगों के सामने खुल पाती हूँ, वैसे मैं आप बात करके देखिए आप समझ जाएंगे। तो गाइस कल कुछ खास ब्लॉग बन नहीं पाया था तो मैंने ये बोनस ब्लॉग अगले दिन का ऐड कर दिया आप लोगों के साथ। इस दिन मैं गो कार्टिंग आई थी अपने दोस्तों के साथ, तो आई होप आप इन्जॉय करेंगे। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है गो कार्टिंग पे आए हुए, मैं एक बार पहले भी गई थी बट मैं कर नहीं पाई थी, तो मैं इस बार आई थी। तो हमें यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन दिखाए जा रहे थे क्योंकि गो कार्टिंग शायद रिस्की है, इसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रैक इन्जॉय कर रही थी, बहुत मस्त लग रहा था। और मुझे ये अजीब सा हेलमेट पहना दिया इन लोगों ने। अब हमारी बारी आ रही है गाइस, हम नीचे आ चुके हैं, ट्रैक के पास बैठे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। देखने में तो बहुत बहुत क्रेजी लग रहा है पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। गाइस इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बैठा दिया है फाइनली, और यहाँ पे एक साइलेंसर है जिसको छूने से मना किया गया है क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे गर्म हवा निकलती है तो आप जल सकते हो। ये आगे मेरे सारे दोस्त हैं गाइस, मतलब हम सब साथ में गो कार्टिंग करने वाले हैं। गाइस ये रहा एक्सेलरेटर और ये रहा ब्रेक, इसको हमें एक साथ नहीं दबाना है ऐसा हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। जब भैया मेरी पैंट बांध रहे हैं क्योंकि मेरी पैंट थोड़ी सी लूज़ है और अपेरेंटली वो टायर में आ सकती है, तो भैया ने मेरी पैंट बांध दी थी रबर बैंड से।
जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे। ये आसपास का व्यू है गाइस गो कार्टिंग का। ये बगल में गाड़ियाँ आके रुक रही हैं, तो अब हमारा गो कार्टिंग स्टार्ट होगा। तो गाइस गो कार्टिंग तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, काफ़ी रिस्की था, उन्होंने मुझे फ़ोन अंदर रखने को कह दिया था, बट बहुत मज़ा आई थी गाइस। और इसके बाद हम आए थे बोलिंग करने हैं, और यहाँ पे गाइस इतना मज़ा आया था। ये मेरी फ्रेंड का हाथ था बाय द वे। गाइस हमें यहाँ पे नियॉन ग्लो करने वाले सॉक्स दिए गए थे, और ये रहा फाइनल बोलिंग जोन गाइस। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और ये रहा मेरा पहला शॉट गाइस, ऑलमोस्ट। और ये दूसरा जो कि नहीं जा पाया था गाइस। उसके बाद हम बीच पे गए थे, और गाइस ये जो आप ड्रिंक देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये वैसे तो एप्पल जूस का कोई तो ड्रिंक था, बट ये बिल्कुल सोप जैसा टेस्ट कर रहा था, मतलब बहुत ही गंदा। हाय गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ, और उसके गेम्स खेलने के बाद हमने कुछ खाया पिया था, थोड़ा बहुत बातें की थी, फिर सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर आ चुकी हूँ, तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।